मतलब खून ले लूंगा, मेरे का मौसला बाद कब तक संदीप लाएंगे, राजू लेंगे, यहाँ तक डेड बॉडी नहीं जाएगी। मेरे में लोधा हूँ पक्का, मैं आपको भी पता सब चीज का, मैं लोधा पीजे बिगाड़ भी हूँ, ये आना पड़ेगा उनके लिए। रात जब उठाई सर मुझे माफ करना पड़ता की मेरी, मेरा एक ही नाती था, पहले साल की उम्र में बुढ़ा आदि पता चाचे साल और जूंगा साहब क्या जीऊंगा मैं, कोई मेरा पानी देने वाला नहीं था साहब, बताइए बताइए आप साहब मेरा नाती कौन था। अतरौली में सड़क पर अतिक्रमण होने की वजह से 12 वर्षीय सूरज निवासी मोहचिनाबाद आया ट्रक की चपेट में, मौके पर भी मौत, परिवार के लोगों ने काटा हंगामा, कहा खून के बदले चाहिए खून। जानकारी के अनुसार अतरौली क्षेत्र के ग्राम मोहचिनाबाद तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ से सूरज पुत्र हरवेंद्र सिंह उम्र 13 वर्ष दादा लिछवेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा नाती अतरौली से घरेलू सामान लेने आया था, वापस होते समय गांव खेड़ा चौराहा तुलसी डेयरी के सामने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे मेरे नाती की मौके पर ही मौत हो गई। दादा ने बिलक बिलक कर बताया कि मेरा एक ही नाती था जिसकी मौत हो गई, मेरी अब क्या जिंदगी है, मैं कुछ दिन तक ही जीऊंगा लेकिन मुझे पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, जिस तरह मेरे नाती की मौत हुई है इस तरह मैं इसकी भी हत्या देखना चाहता हूं, मैं इससे बदला लेकर रहूंगा और मैं कट्टर लोधी हूं, जब तक राजू भैया या संदीप सिंह मंत्री यहां पर नहीं आ जाते जब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसे सड़क पर आए दिन हादसा होते रहते हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन को 2 बार लिखित में दी जा चुकी है कि पेट चौराहा व गांव खेड़ा चौराहा पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाया जाए जिससे यातायात में यात्रियों के लिए कोई परेशानी ना हो, लेकिन अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर कोई फर्क नहीं है, जबकि 2 बार जनसुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दी जा चुकी है लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आए दिन यहां पर सड़क हादसे होते हैं, गांव खेड़ा चौराहा पर कई बार सड़क हादसे हुए हैं और लोगों को अपनी जान पड़ी है। पीड़ित परिवार द्वारा फोन से राजू भैया से बात की गई तो उन्होंने बताया मैं कल आऊंगा, अभी मैं लखनऊ में हूं और संदीप भी मेरे साथ है, मेरे परिवार की आपके साथ पूरी तरह से सहानुभूति है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं आकर पूरी कराऊंगा। राजू भैया ने आश्वासन दिया कि हम परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए आएंगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे केपी सिंह जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण काफी होता है क्योंकि यह अभी तक रोड का चौड़ीकरण का निर्माण कर पूरे नहीं हुआ है और सड़क पर वाहनों का आवागमन सबसे अधिक रहता है, इसलिए इस सड़क पर हादसे होने की ज्यादा संभावना रहती है। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 से पुष्पेंद्र लोधी ने कहा कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है और यह बहुत गंभीर मामला है कि एक दादा से उसका 12 वर्षीय अकेला नाती उन्हें छोड़कर चला गया, बहुत दुख की घड़ी है, हम भी प्रशासन से मांग करेंगे कि रोड से अतिक्रमण हटाया जाए और जो भी रोड को चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास हुआ है वह जल्द ही कार्यपूर्ण कराया जाए। मेरा नाती है, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये ट्रक से हुआ सब, ये खड़ा है। अच्छा ये किससे गए ये जो मृतक और दूसरा से कहाँ जा रहे थे ये कल का जन्मदिन है इसका, सामान मैंने मार्केट से आए होंगे। एक्सीडेंट किस चीज से हुआ था? ट्रक से ये खड़ा सामने की बता रहे हैं, बता रहे थे भाई से। ये किस पर, बाइक पे थे? बाइक से। क्या लोग थे बाइक पे? दो है, एक जन चला रहा था एक नाती। बाइक पे कुछ सामान था क्या? सामान फामान कोई, खाने पीने का, कल जन्मदिन है उसका। तो सर क्या मांग जांच क्या आपकी? मेरी मांग जांच कुछ नहीं है, मेरा खून का बदला खून है। क्या चाहते हो आप? मैं खून का बदला खून चाहता हूँ, मैं ये कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे मांग जाए मेरी कुछ नहीं है। तो अकेले ही था ये पुत्र आपका? मेरा नाती एक है, दो बेटों के बीच में केवल मेरा एक ही नाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे करोड़ों अरबों की संपत्ति मेरे पास खुद मौजूद है, मेरे बाप छोड़ के गए, मुझे कोई कमी नहीं किसी बात की। मृतक बच्चे का क्या नाम था? हरविंद मुकेश वो सूरज। कहाँ का रहने वाला? मौसलाबाद का। आपका क्या नाम है सर? मैं लक्ष्मेंद्र कुमार है, ये लेखराज बारे स्कूल में पढ़ता है बच्चा। कैसे हुआ है? मैं जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करती हूँ, अलीगढ़ से आई हूँ मैं। तो एक्सीडेंट किस चीज से हुआ है? ये किस चीज पर थे? ये बाइक पे थे क्या? बाइक पे चपेट में आई है बाइक, ट्रक की या पीछे टक्कर? था और एक इसका भाई बाइक पे जा रहे थे अतरौली से, आलू सब्जी वगैरह खरीद के भी ले जा रहे थे और यहाँ मौसलाबाद गांव के पास में वहाँ जा रहे थे, पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनको चपेट में ले लिया और डिसवेलेंस होकर बच्चा गिर गया और वो ट्रक के पीछे में आगे गिर गया। कितनी आयु होगी लगभग इसकी बच्चे की? 12-13 साल उम्र है इस बच्चे की। मौके पर खत्म हो गया? मौके पर ही खत्म हो गया है। तो इसके परिवार के लोग मौके मौजूद हैं? अभी ये सूचना मिलने पर आ गए हैं सब लोग। पुलिस मौके पर आई है? यहाँ पुलिस काफी देर 20 मिनट बाद आई है, कोई भी गिरफ्त के यहाँ चौराया है, चौराहे पे पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, फिर वो व्यवस्था नहीं है, पूरा रोड ट्रकों से घिर रखा है, कोई खाली नहीं है रोड, यहाँ रोड पे दुकान चल रही है ट्रक की,
जितनी भी दुकानें हैं ट्रक के मैकेनिक की सारी रोड पे चल रही है, जितनी भी है रोड खाली है ही नहीं। यहाँ आप यहाँ से मरौली गुम्बा तक देख लीजिए आप कितने ट्रक खड़े होंगे रोड साइड। अच्छा ट्रक वाला पकड़ा गया क्या इसमें? हाँ ट्रक बच्चा यही पास का ही है और बच्चा जो है यहाँ पे अपने किसी परिजन के साथ कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था अवंती भाई चौराहे और अवंती भाई चौराहे से पीछे से कोई ट्रक आई और उसके बाद से उससे टक्कर हो गई जिससे उसकी दिक्कत मिलती हो गई है और इसमें हम लोगों ने परिजन आए परिजनों के बाद से टक्कर हुई था जो बॉडी है उसमें हम लोगों ने डिस्पैच किया मोर्चरी के लिए यहाँ पर चाहे की कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई भी